अरे आप जग गए रेनू जी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। चलिए अच्छा है, आप नाश्ता वगैरह कर लीजिएगा। आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? सुबह तो कब की हो गई रेनू जी, सूरज तो कब का निकल चुका है और दुनिया भी अपनी अपनी दिशा में काम के लिए निकल गई है। दुनिया तो पागल है जी। कुछ कहा आपने? कुछ नहीं। ठीक है तो फिर मैं निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है, कुछ लाना हो तो बता दीजिएगा, लेता आऊंगा। मैं शाम को जा रही हूँ मार्केट ले लूंगी। हाँ ये भी अच्छा है, इसी माने आपका मन भी बहल जाएगा, आप बाहर घूम आएंगे। मेरा मन कभी नहीं बहलेगा। बाय। ओके बाय। आप आ गए रेनू जी। जी सब ठीक तो है? मुझे क्या होगा, वैसे आज आप ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो आज ऑफिस में कुछ ज्यादा काम नहीं था तो मैंने सोचा कि मैं घर ही जल्दी आ जाता हूँ, कुछ वक्त साथ में गुजारेंगे। वो काफी देर से आपका फोन ट्राई कर रहा था, लग ही नहीं रहा है। वो बैटरी लो होने की वजह से फोन स्विच ऑफ हो गया था इसलिए। अच्छा जी। मैं तो परेशानी हो गया था कि मुझे कुछ हो तो नहीं गया। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी बहुत समय हो गया ना। और मैं आज आपकी फेवरेट ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री भी लेके आया। किसने कहा आपको कि मुझे ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री पसंद है? वो शादी से पहले मम्मी जी ने बताया था कि आपको ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री बहुत पसंद है। समय के साथ बहुत सी पसंद नापसंद में बदल जाती है। वैसे भी मेरा कोई मन नहीं है ये पेस्ट्री खाने का, बट आप लेकर आए हैं तो मैं खाऊंगी। रेनू जी कुंदन तुम आ गए। कौन आ गया रेनू जी? मैं हूँ आशीष जी। क्या हुआ रेनू जी? अच्छा आप हैं। और किसे होना चाहिए था? जी नहीं, वो पूरा सपना देखा था। आप ठीक तो हैं? रेनू जी वो आज मैंने ऑफिस में छुट्टी के लिए बात की है। किसने? वो मैं जानता हूँ कि हमारी शादी के बाद हम कहीं बाहर घूमने भी नहीं जा पाए,
हमारा हनीमून भी सब रह गया। आप अकेले ही घर में रहती हैं, आपका दिन नहीं लगता होगा। आपकी भी कोई गलती नहीं, मैं आपको समय नहीं दे पाता हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि हम कहीं घूम के ही आ जाते, हमारा हनीमून भी हो जाता। ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी मेरा कहीं घूमने का मन नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, आराम कीजिए, सो जाइए। पर मैं गुड नाइट। अरे आप जाग गए रेणु जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए आज हमारे यहाँ कौन आया है, आप इनसे मिलके बहुत खुश होंगी। हाँ कुंदन जी, सुबह सुबह बाबूजी का फोन आया था, कहने लगे कि कुंदन जी किसी काम से शहर आए हुए हैं। शादी के समय तो ये हमारे थे नहीं, मैं तो इन्हें पहचानता नहीं था, लेकिन बाबूजी बता रहे थे कि आप दोनों बचपन के दोस्त हैं, है ना? पर मुझे पता था आप इन्हें देख के बहुत खुश होंगी। कैसी हो रेनू? हाँ? कैसी हो? बहुत दिनों के बाद किसी अपने को देख के बहुत खुश हो रही है रेनू जी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। रेनू जी, अरे ऐसी ही देखती रहेंगी या अपने दोस्त को कुछ चाय नाश्ते का भी पूछेंगी? हाँ बिल्कुल, वैसे भी रेनू चाय बहुत अच्छी बनाती है। अच्छा, हमें तो कभी नसीब ही नहीं हुई। चलिए अच्छा ही है, इसी बहाने आज हमें भी रेनू जी के हाथ की चाय पीने को मिल जाएगी। रेनू ये क्या सुन रहा हूँ मैं, तुमने अब तक आशीष जी को अपने हाथ की चाय नहीं पिलाई? कहाँ जा रही हो? चाय बनाने। हाँ हाँ ले आइए ले आइए। लगता नहीं कि मुझे देख के तुम्हें कोई खुशी हुई। खुशी? तुमसे मिलकर? क्या करने आए हो तुम यहाँ? क्या करने मतलब? तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे? अगर इतनी ही फिकर होती ना तुम्हें मेरी, तो ऐसे छोड़ के नहीं भागे होते तुम मुझे। चिंता मत करो, आशीष बाहर गया। और हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने गलती की। तुम्हें छोड़कर भाग गया था मैं। I'm sorry, पर मैं घबरा गया था यार। घबरा गए थे? किस चीज से? मुझे लगता था कि मैं कैसे तुम्हारे घर वालों का सामना करूंगा, अपने घर में कैसे बताऊंगा। तुम्हारे घर वाले मुझे बेटा मानते हैं, जिस घर में मैं खेल कूद कर पला बढ़ा हूं। उन्हें तो यही लगेगा ना कि मैंने उन्हें धोखा दिया है। जो धोखा तुमने मुझे दिया वो कुछ नहीं। हाँ, मुझे छोड़कर तुम अकेले भाग गए, मेरे घर वालों ने आशीष से शादी करवा दी मेरी,
महीने से ज्यादा हो गया हमें साथ रहकर, मैं उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती हूँ, पता है तुम्हें? पता है क्यों बात नहीं करती उनसे? क्योंकि मैं तुमसे बाहर निकल ही नहीं पाई हूँ कुंदन। मैं नहीं निकल पाई हूँ तुमसे बाहर। मुझे ये बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी। इसलिए तो मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया। अब ना समाज के बारे में सोचना है और ना घर वालों के, तुम्हारे लिए कुछ भी। मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तुम फिर भाग जाओगे। अरे अब हम साथ जाएंगे पक्का। ये बताओ कि तुम बाबूजी को क्या बोलकर आए थे यहाँ पे? उनसे क्या झूठ बोला तुमने? बाबूजी को कह दिया मैंने कि मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे आशीष जी की हेल्प चाहिए होगी। फिर क्या, बाबूजी तुरंत रेडी? बहुत चालाक हो तुम। अब तो तुम्हारे इश्क में सब करना ही पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, आशीष ने तुम्हें टच तो नहीं किया ना? क्यों, तुम्हें क्यों बताऊं मैं ये सब? क्योंकि मेरे सिवा तुम्हें कोई और छू भी नहीं सकता। क्या कर रहे हो तुम? आशीष? आशीष नहीं आएगा। क्या किया तुमने? कुछ नहीं, बाद में बताऊंगा। तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली। तुम भी तो नहीं बदली। किया मैंने तुम्हें, इसलिए मुझे छोड़ के चले गए थे। तो रहोगे ना मेरे साथ हमेशा? हमेशा? पक्का? पक्का। मैं तुम्हारे साथ दुनिया के किसी भी कोने में जाने को तैयार हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ, तुमसे कभी दूर नहीं होगा। आई लव यू। आई लव यू। बताऊं, आपके आ जाने से घर में रौनक आ गई है और रिन्यू जी तो इतना खुश रहती है कि पूछिए ही मत। आप तो जल्दी जाने के बारे में सोचिएगा भी नहीं। अरे नहीं नहीं, अभी तो मैं रुकूंगा जब तक अपना काम कंप्लीट नहीं हो जाता। क्यों रिन्यू जी? Thank you.
तेरे लिए अच्छा है। रात को ना मेरे बॉस के घर में पार्टी है रेनू जी, तो आप तैयार हो जाइएगा। जी वो मेरा मूड नहीं है पार्टी वार्टी में जाने का, आप जाकर आइए ना। आप चलती तो अच्छा रहता। मेरा सच में मूड नहीं है पार्टी में जाने का, प्लीज आई एम सॉरी। चलिए ठीक है, जबरदस्ती तो हम आपको ले जा नहीं सकते। जी नहीं चले जाएंगे। ओ मेरी जान, तुमसे एक पल की भी जुदाई ना मुझे बर्दाश्त नहीं होती। आज की रात में तुम्हें एक अलग सुख देना चाहता हूँ। कुंदन। हाँ माय लव। मैं भी तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ, और उनसे मिलकर ना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। किसे बुला लिया तुमने? हमें निकलना है ना थोड़ी देर में। हाँ निकलेंगे ना, बस वो आ जाए फिर वो हमें बता देंगे कि कहाँ जाएं। कौन है भाई? इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर? रेणु ये सब क्या है? यही तो है कुंदन बाबू। इंस्पेक्टर साहब यही है वो आदमी जो मुझे बेचकर प्रोस्टिट्यूट बनाना चाहता था। क्या बकवास कर रही हो तुम? और मैं ये देखिए, सुबह ना इसने ये मैसेजेस भी भेजा, देखिए। रेणु तुम्हें क्या बकवास किए जा रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम? पागल तो मैं थी तुम्हारे प्यार में, मैं ही पागल थी कि तुम्हारे साथ एक अलग दुनिया बसाने के बारे में सोच रही थी, और तुम मुझे इस दलदल में फंसाने का प्लान बना रहे थे कुंदन। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रही है। तेरे अगेंस्ट एक कंप्लेंट है, अभी सबूतों के साथ। कैसा सबूत? जब तू अपने दलाल फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा था उस टाइम की कॉल रिकॉर्डिंग। जी मैं ले आऊंगा उसको भगा के भाई, बस आप उसका सही रेट दिलवा देना। बहुत कड़की चल रही है अभी। अरे नहीं भाई कोई गड़बड़ नहीं हो, वो पागल है मेरे प्यार में। कौन? मैं? उससे प्यार? क्या भाई, हमारे धंधे में अगर हम अपने शिकार से प्यार करने लगे तो फिर भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हाँ भाई, इसका पति बहुत अच्छा खासा पैसे कमाता है और घर पे गहने और कैश बहुत है। बस उसे ऐसी जगह पे बेचना कि वहां से वापस ना हो पाए। बस आगे का सब आप देख लो। साले तेरे को शर्म नहीं आती एक शरीफ लड़की को प्रोस्टिट्यूट की दुनिया में खेलते हुए? मुझसे गलती हो गई इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दो। रेणु मैं पैसों के पीछे पागल हो गया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज 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 इनसे कहो ना। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस आऊंगा मैं। इंस्पेक्टर साहब जिंदगी में वापस नहीं आएगा, तुमको ऐसा चार्ज लगाऊंगा कि जिंदगी भर तो जेल की चक्की पीसेगा। जिंदगी में ले आऊंगा। चल Oh